हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको परसेंटेज निकालने के लिए बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीका से बताने वाला हूँ। आपको बहुत ही माइंड में फिट कर दूंगा ये परसेंटेज। तो देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हेडिंग है प्रतिशत निकालना सीखे, और फर्स्ट क्वेश्चन है 400 का 20%। मान लीजिए कि आपको कोई कह दे कि 400 रुपया का कोई सामान है और उस पर 20% के छूट मिले, तो आपको कितना रुपया कम देना पड़ेगा, यानी 400 में से कितना रुपया कम देंगे, यही आपको निकालना है। तो चलिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर दिया गया है 400, तो 400 लिख लेंगे, और यहाँ पे का दिया गया है, तो का मतलब होता है गुना। आपको पता होगा का मतलब होता है गुना, और यहाँ पे 20% है, तो 20 लिख लेंगे, और प्रतिशत का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो यहाँ पे 20% का मतलब हो जाएगा 20/100, तो हम पूरे में यहाँ पे 100 लिख लेंगे, पूरे में यहाँ पे 100 लिख लेंगे। अब आपको कटा लेना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, और इस 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब हमारा ऊपर बच गया 4, और यहाँ पे बच गया 20, और नीचे बच गया है 1। तो आपको 1 को नीचे लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 लिखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे 4 में 20 से गुना करेंगे, तो 20 चौके 80, जो है यहाँ पे 80 रुपया आपको कम देना पड़ेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप बहुत ही आसानी से समझे होंगे। यहाँ पे 400 लिख लेना है, का है तो गुना दे देना है, और 20% मतलब 20/100 कटा लेना है, गुना करके आंसर ला लेना है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का दिया गया है, यहाँ पे 700 का 30% निकालना है, 700 का 30%। तो सबसे पहले लिख लेंगे 700 का है, तो का मतलब होता है गुना, और 30% का मतलब होता है 30, और बट्टे में लगा देंगे 100। अब आपको कटा लेना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 7 में 30 से गुना करेंगे, तो 7 3 21, और ये जो 0 है उतर जाएगा, 210 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान तरीके से मैंने बना दिया है, आशा करता हूँ कि आप भी समझ रहे होंगे। तो देखते हैं इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, जो कि तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपका एग्ज़ाम जो है 800 नंबर का होता है, और उसमें आपका प्राप्तांक जो होता है, यानी आपका जो रिजल्ट आता है, वो 600 नंबर आता है, तो 800 का 600 नंबर जो है कितना प्रतिशत होगा, यही आपको इसमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर 600 है, तो 600 × 100 और बटे में 800 लिख लेंगे, 600 × 100 और बटे में 800। अब आपको कटा लेना है, तो इस 2 0 से ये वाला 2 0 कैंसिल, और 8 से भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 600 बच गया, और यहाँ पे हमारा 8 बच गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कटाएंगे, यहाँ पे 8 से यहाँ पे 2 मरतबे कटाएंगे, 2 चौके 8, और यहाँ पे 2 3 के 6 और 0 उतर जाएगा। अब आपको 300 का 4 से कटाना है, यहाँ पे 300/4 हो गया, 4 से भाग देंगे 30 में, तो 4 7 28, और इसमें से 2 बचेगा तो इसमें जाएगा, तो 20 हो जाएगा, और 4 5 20, तो आपका जो 800 का 600 जो है यहाँ पे 75% जो है यहाँ पे होगा, यानी आपको परसेंटेज निकालना था, तो आपका 75% जो है राइट आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप समझे होंगे। तो आइए इससे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इससे थोड़ा सा अलग होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा चौथा क्वेश्चन जो है इस प्रकार का दिया गया है, यहाँ पे अगर आपका एग्ज़ाम जो बिहार बोर्ड क्लास 10th या 12th का होता है, 500 नंबर जो उसमें कंपलसरी होता है, और उसमें मान लीजिए कि आपका 360 नंबर आ गया, 500 में 360 नंबर आ गया, तो कितना प्रतिशत आया, यही आपको निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे 360 है, तो 360 और गुना में 100 कर देंगे,
और बटे में 500 है, तो बटे में 500। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर बहुत ही आसानी से 2 0 कैंसिल कर देना है, और 360 में आपको 5 से भाग दे देना है। तो 5 से भाग देंगे 36 में, तो 5 7 35, और एक इसमें जाएगा 0 में, तो 10 हो जाएगा। 5 से 10 में भाग देंगे तो 2 मरतबा, यानी 72% जो है हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यहाँ पे 72% हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 500 का जो 360 है, वो 72% जो है हमारा राइट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान तरीके से कम्प्लीटली सीख गए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।